बैतूल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कोतवाली थाने में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एसडीओ आनंद राय ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कुल 11 चोरियों का खुलासा किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। जेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक हीरालाल ने अपनी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और मेघनगर जाबुआ की रॉक फास्फेट खदान को निजी हाथों में देने से सरकार के निर्णय का विरोध शुरू कर दिया है और उक्त बातें कही। मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र जहां संविधान की 5वीं अनुसूची प्रावधान लागू है, वहां पर रहने वाले आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्रों में मौजूद खनिज संसाधनों का पहला अधिकार होना चाहिए, यह बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, ताकि कतार के आखिरी पंक्ति में खड़े वर्ग आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से बेहतर बनने का मौका मिले। मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में शेड्यूल एरिया में जहाँ पे संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं, वहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों में जो भी जितनी भी खदानें हैं, चाहे रेत की खदानें हो, चाहे रॉक फॉस्फेट की खदानें हो, चाहे डोलामाइट की खदानें हो, चाहे और भी अन्य खनिजों की जो खदानें हैं, ये सभी खदानें उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूह को मिलनी चाहिए। जहाँ पे 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पेशा कानून के तहत ग्राम सभा, जहाँ पे कानूनन में कही गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया गया पेशा कानून में कि वहाँ के संसाधनों पर नियंत्रण करने और उन संसाधनों पर उन ग्राम सभाओं के अंतर्गत आने वाले का हक होना चाहिए। तो ये हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार आदि अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी प्राइवेट कंपनी को, निजी कंपनी को ठेका देने की बजाय वहाँ के अधिसूचित क्षेत्रों में आने वाले आदिवासियों को दे, ताकि जो कतार के आखिर पंक्ति में खड़ा जो आदिवासी वर्ग है, आज़ादी के 70 साल में आज भी पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ है, उसको आर्थिक रूप से बराबरी करने का मौका मिले। और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, जो कि चुनाव में वादा किया था कि संविधान की 5वीं अनुसूची को हम लागू करेंगे, पेशा कानून के प्रावधानों को लागू कराएंगे, आदिवासियों को पट्टे देंगे, इन सभी वादों पर खरा उतरेगी। क्योंकि जो पिछले दिनों हमको खबर सुनने को आ रही है कि झाबुआ जिले में जो रॉक फॉस्फेट की खदानें एक निजी कंपनी को दिया जा रहा है, अगर ऐसी मध्य प्रदेश सरकार निजी कंपनी को ठेका देती है तो हम बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। और हम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, कमलनाथ जी से मैं भी अनुरोध करूँगा कि आप अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को ही प्रमुखता से खदानों के ठेके दे, ताकि आदिवासी समुदाय का विकास हो और उनको आगे बढ़ने में।